नमस्कार, मैं हूं दिशा सेठी और आप देख रहे हैं पब्लिक दिलासा का स्पेशल बुलेटिन। बिजली के फिक्स्ड चार्ज ना वसूलने का फैसला रद्द, बिजली उपभोक्ताओं को देनी होंगी 6 महीने की किश्तें। सिद्धू मूसेवाला फिर संकट में, मोहाली में मूसेवाला के खिलाफ संजू गीत को लेकर लोगों की भावनाएं भड़काने के आरोप में मुकदमा दर्ज। बरगाड़ी कांड में आगामी सुनवाई 29 जुलाई को, सीबीआई ने एसआईटी की जांच पर उठाए सवाल, कहा एक मामले में दो एजेंसियां जांच कैसे कर सकती हैं। पंजाब से हरियाणा तक कृषि अध्यादेश व बिजली बिल वृद्धि के विरोध में किसानों ने निकाला रोष मार्च, लुधियाना से ट्रैक्टरों पर सवार हो किया रोष मार्च। डॉक्टर नवीन डोगरा ने आधुनिक तकनीक से बचाई दिल के मरीज की जान, रेडियल आर्टरी स्टेंटिंग तकनीक का किया प्रयोग। कटरा आलूवालिया की एक इमारत में लगी आग, इमारत के आगे पड़े कूड़े के ढेर को जलाने से लगी आग। पोथियों से छेड़छाड़ वायरल वीडियो मामले में मांगी गई माफी, वायरल हुई वीडियो पर भाई जीवन सिंह चतर सिंह फर्म ने रखा अपना पक्ष। विकास दुबे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया कड़ा रुख, सुप्रीम कोर्ट का सवाल, आखिर कई मामलों में आरोपी की आखिर जमानत कैसे हुई। पायलट की याचिका पर सुनवाई जारी, विधानसभा स्पीकर के पक्ष में अभिषेक मनु सिंघवी अदालत में हुए पेश। गुटका साहिब के साथ छेड़छाड़ मामले में रागी सिख संस्था ने जत्थेदार को दिया ज्ञापन, इंटरनेशनल सिख काउंसिल की सेवादार बीबी तलविंदर कौर द्वारा दिए गए ज्ञापन पर भी जताई आपत्ति। गुरु नगरी के हरप्रीत मरवाहा ऑस्ट्रेलिया में लड़ेंगे काउंसिल चुनाव, अकाली नेता राजेंद्र मरवाहा के बेटे हैं हरप्रीत। खबरों का बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है, आप देखते रहिए पब्लिक दिलासा चैनल। नमस्कार।